क्लास माई नेम इज़ यासिर मजहर एंड टूडे टॉपिक्रग इटी फर्स्ट ऑफ आल आई वाइक यूट वट इज एनजाइटी एनजाइटी इज़ अर्मल प्रोटेक्टिव साइकोलॉजिकल रिस्पांस टू ए अनप्लेजेंट और थ्रेटनिंग सिचुएशन ये डेफिनेशन रॉजर वॉकर में दी हुई है और ये डेफिनेशन हमें यह बताती है कि एनजाइटी एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है प्रोटेक्टिव यानी ये वो रिस्पॉन्स है जो कि आपको ब्रेन के आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपकी ब्रेन की नॉर्मल फिजियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए या नॉर्मल रखने के लिए किया जाता है उसके अलावा साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ऑब्वियसली अगर ब्रेन के अंदर हो रहा है तो साइकोलॉजिकल ही होगा टू एन अनप्लेजेंट और थ्रेटिंग सिचुएशन ऐसी सिचुएशन के ख़िलाफ़ जो कि या तो आपको नागवार गुजरें या फिर आपके लिए ख़तरा हो यानी इनको देख के या तो आप डर जाएँ या फिर आपको अच्छा ना लग रहा हो उस केस में जो हमारे पास साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ब्रेन देता है उसे हम एनजाइटी कहते हैं अब हु के मुताबिक सब्सटेंस इंड्यूज एनजाइटी या ड्रग इन एनजाइटी क्या है इट इज़ डिफाइंड एज द नर्वसनेस रेस्टलेसनेस और पैनिक कॉज बाय टेकिंग अ ड्रग और स्टॉपिंग अ ड्रग किसी भी ड्रग को छोड़ने की वजह से या किसी भी ड्रग को लेने की वजह से और नॉर्मल डोजेस और माइट बी और टॉक्सिक डोजेस अगर एन्जाइटी हो यानी ये ऊपर वाला फिनोमेना हो तो उसे हम सब्सटेंस इंड्यूस्ड एन्जाइटी कहते हैं अगर एक पेशेंट को दवाई लेने से पहले या दवाई छोड़ने से पहले की ही एन्जाइटी हो रही है तो उसे हम सब्सटेंस इंड्यूस्ड एनजाइटी नहीं कहेंगे अब रॉजर वॉकर का ये पैराग्राफ हमें ये बताता है कि अराउजल सिस्टम्स जो हैं वो एनजाइटी में इन्वॉल्व होते हैं अब सबसे पहले अराउजल सिस्टम्स के हैं अराउजल सिस्टम उन सिस्टम्स को कहते हैं जो कि आपके दिमाग को सही गलत की और अच्छे बुरे की समझ देते हैं एसीटाइल कोलिन अराउजल सिस्टम में मेन नोट्रांसमीटर है लेकिन कहा यह जाता है इन्हें रोजल वॉकर में ये लिखा है कि इमोशनल अराउज़ल्स जो हैं वो नोरडिनर्जिक और सरोटोनर्जिक एक्टिविटी की वजह से होते हैं अब इमोशनल अराउज़ल में आ, आम अराउजल ये है कि बस हमने एक चीज़ को देखा और हमने उसमें सही गलत कर लिया या फिर हमने उस चीज़ को समझ लिया कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है लेकिन इमोशनल अराउज़ल में हमें ये पता लगता है हमें कोई चीज़ या तो बुरी लगती है या फिर हमें कोई चीज़ जो है वो अच्छी लगती है ठीक है या फिर हमें उससे डर लगता है या फिर हमें उसको देख के कोई मोहब्बत का या किसी भी टाइप का लाइकनेस का एहसास होता है तो इसको हम इमोशनल अराउज़ल कहते हैं अब ये एनजाइटी की न्यूरोबायोलॉजी है इसको आ, मैंने कुछ कोड वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है इसके अंदर तीन से चार मैकेनिज़म्स हैं जो कि एन्जाइटी की नॉर्मल बायोलॉजी यानी कि न्यूरोबायोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं होता क्या है आपको पता है हमारे ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फोर ब्रेन के अंदर तीन पार्ट्स आ जाते हैं थैलेमस लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रम अब आगे लिम्बिक सिस्टम के अंदर आगे से तीन पार्ट्स हैं लिम्बिक सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस है एमिग्डाला है और हिपो है अब सबसे पहले देखिए मेरे लिम्बिक सिस्टम के दो पार्ट्स लिखे हुए हैं थैलेमस टू एमिग्डाला अब एक पर्सन है ना वो अगर किसी चीज़ को देख लेता है या फिर उसको कोई चीज़ ऐसी एनकाउंटर होती है अचानक से कोई पुराने ख्याल इनकाउंटर हो जाएँ या फिर अचानक से उसका एग्ज़ाम गंदा है तो उससे उसको देख के एनजाइटी शुरू हो जाए कि उसको, उसको अपनी फ्यूचर रिलेटेड जो है फियर्स आना शुरू हो जाए कि अब मेरा क्या बनेगा मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा तो उसको देख के वो पैनिक स्टेट में और बेचैनी की स्टेट में चला जाए तो उससे हम एनजाइटी कहते हैं अब होता क्या है इसकी पूरी न्यूरो बायोलॉजी क्या है थैलेमस जो है वो एमिक डेला को फियर रिस्पॉन्स देता है ठीक है एमिक डेला उस फियर रिस्पॉन्स को ब्रेन स्टेम और हाइपोथैलेमस में थ्रू मोटर न्यूरॉन्स जो है वो भेजता है जिससे क्या होता है ब्रेन स्टेम ब्लड वेसल्स को ब्रेन की सिग्नल देता है जिससे वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है ठीक है इसके जो है रिस्पॉन्स में क्या होता है हमारी ब्रेन का एक पार्ट होता है लोकस सैरुलस इससे नॉर रिलीज होता है एनी मैंने इससे लिखा नॉन क्या होता है उन कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स को जो है वेजोडाइलेट करता है वेजोडालेट करने से क्या होता है कि ब्रेन के अंदर अराउजल और विजिलेंस की कैफियत पैदा होती है अराउज़ल आप कहते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सही गलत की समझ और विजिलेंस हम कहते हैं यह अपनी फिक्र करना ठीक है तो उन चीज़ों को ये ये दोनों चीज़ें जब दिमाग के अंदर आ जाती हैं तो उसमें क्या होता है बंदे को अपनी फिक्र होने लग जाती है ठीक है उसे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है उसे एनजाइटी शु, शुरू हो जाती है अब लिबिक सिस्टम के तीसरे पार्ट यानी हिपो का के इसमें क्या रोल है जैसे ही ये आ, बुरी चीज़ एक इंसान के साथ होती है तो हिपो जो हमारा एक मेमोरी ये ब्रेन का पार्ट है ये इसका एक मेमोरी बैकअप बना लेता है ठीक है यानी कि वो बात एक इंसान के दिमाग में महफूज हो जाती है कि ये गलत चीज़ मेरे साथ हुई थी तो वो उसको अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है कुछ भी हो सकता है एग्जाम से रिलेटेड भी हो सकता है किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है कोई भी साइकोलॉजिकल इवेंट जो है वो हिपोकॉम्पस में स्टोर हो सकता है अब आगे एमिक डाला क्या करता है ये एमिक डाला जो है ये एवर्सिव मेमोरीज को जनरेट करवाता है एवर्सिव मेमरीज जैसे कि वर्स का मतलब होता है बुरा यानी कि ये बुरी मेमोरीज को जनरेट करवाएगा फिर तीसरा मेक, दूसरा मेकेजम ये है कि सी आर एच रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है हाइपोथेरास से रिलीज होता है और फिर ग्लैंड पे एक्ट करके वहाँ से ए सी टी एच को रिलीज़ करवाता है ए सी टी एच जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और वहाँ से स्टीरोइड्स को जनरेट करवाता है जिससे क्या होता है ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं इसको हम हाइपोथैलेमिक पच्यूट्री एड्रीनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं ठीक है इससे भी एनजाइटी होती है ड्यू टू डैमेजिंग ऑफ ब्रेन सेल्स फिर उसके अलावा सी आर एच का डायरेक्ट रोल कुछ रिसेप्टर्स के अंदर भी होता है जिसे जिन्हें सी आर वन और सी आर टू जाता है जब सी आर एच इन दोनों रिसेप्टर्स पर बाइंड करता है तो ये ग्लूटामेट डोपामीन, नोरापी और सरोटोनिन जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर के एक्शंस को मिमेक करता है अब होता क्या जो फाइव एच टी यानी सरोटोनिन है वो वेजो कंस्ट्रक्शन कॉस करता है और उससे क्या होता है अराउजल इनहिबिट हो जाता है उसके आगे कहते हैं उसके रिस्पॉन्स में फिर नॉरअी ने जो है वो लोकल सेल से एक्टिवेट होकर वेजोडाशन करता है और फिर अराउजल सिस्टम आ जाता है फिर उसके बाद कहा जाता है कि एच पी ए जो है फिर से आता है वही है डिनल को ये हाइपोथेनामे से तक सीरोइड बन के सेल का बनना ख़त्म होना तो उससे एनजाइटी वर्सन हो जाती है ये मेकनिज़म टोटली क्लियर नहीं है ये कोड़ा के मल में दिया गया था अब जो हमारे पास एनजायटी कॉजिंग एजेंट्स हैं उन वो कौन कौन से हैं सेंट्रल स्टिमुलेंट्स हैं कैफीन एंड विटामिनस हमारे डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कैफ़ीन कॉफ़ी के अंदर होती है ठीक है विड्रॉल जो है कुछ ड्रग्स का वो भी एनजाइटी का बस बनता है जैसे कि हमारे पास सी एन एस डिप्रेशन ड्रग्स हैं पेंजोडाइसिपिनस बाचूरेट्स ठीक है अल्कोहल ये मैंने नीचे लिखे हुए हैं उसके अलावा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसिस भी हो सकती हैं ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए शुगर लेवल कम हो जाए उसके अलावा थायरॉयड जो है उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से भी जो है एन्जाइटी कॉज हो सकती है आज का जो मेन टॉपिक होगा वो हमारा मिक्स सिंपैथोमामेटिक्स होगा कि ये किस तरह एनजाइटी कॉज करते हैं। अब ये डिफरेंसेस हैं एन्जाइटी और डिप्रेशन के एन्ज्जाइटी जो है वो एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स की वजह से होता है यानी कि ग्लूटामेट या उसके जो यानी कि उसके जैसे मज़ीद जो एक्साइटेटरी ये न्यूरो हैं उनकी वजह से एन्जाइटी कॉज होती है और डिप्रेशन जो है वो इनहिबिटरी यानी कि गाबा और क्लाइसिन या फिर डोपामीन के इनहिबिटरी रिसेप्टर्स के एक्टिव होने की वजह से या सेरोटोनिन के इनहिबिटरी रिसेप्टर्स की वजह से होता है डिप्रेशन उसी तरह डोपामी सेरोटोनिन के एक्सट्रेटरी रिसेप्टर्स के एक्टिव होने से एनजाइटी होती है ये इसके कुछ डिफ्रेंसेज लिखे हुए हैं नीचे ठीक है मेन जो है डिप्रेस मूड और लैक ऑफ इंटरेस्ट डिप्रेशन के अंदर है और नेगेटिव थाट्स एक्सेसिव वरी एन्जाइटी uh, के अंदर है जो मेन डिप्रेशन uh, और एन्जाइटी में डिफरेंस है वो ये है कि डिप्रेशन में लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है कोई पैनिक स्टेट नहीं आती जबकि एनजाइटी में पैनिक स्टेट होती है क्योंकि दिमाग टोटली totally एक्साइट हुआ होता है अब ये मज़ीद कुछ एजेंट्स हैं जो कि uh, करवाते होते हैं एनजाइटी अब मिक्स एम्पैथोमामेटिक्स क्या है इसमें हम सोडो एफिड्रीन को करेंगे डिस्कस सोडो एफिड्रीन आपकी ओटीसी प्रेपरेशन में आती है जैसे ये मैंने नीचे लिखी हुई है यरिनैक के अंदर भी सोडो एफिड्रीन आती है और पैनाडॉल कोल्ड एंड फ्लू सी एफ के अंदर भी जो है समय ये सोडो एफिड्रीन पाई जाती है सोडोएफिड्रीन के मैकेानिज़म्स में जो सबसे मेन मेकनिज़म है वो ये है कि ये डायरेक्टली जो है नॉर एड्रर्जिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है कैसे ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है ये नोरपीनेफ्रीन के यानी कि एड्रेनालिन के एक्शन को मिमिक करती है उसी तरह के कहते हैं वेजो करती है वेजो से अराउजल सिस्टम्स एक्टिव होते हैं ठीक है यानी कि जो ब्रेन की जो वेसल्स कंस्ट्रक्ट हुई होती हैं उनको मज़ीद जो है वेजो करके जो है अराउजल सिस्टम्स और विजिलेंस को मज़ीद आगे बढ़ाती है और उससे एनजाइटी जो है वो वर्सन होती है इनडायरेक्ट तौर पर अब क्या होता है इनडायरेक्टली ये होता है कि ये जो सूडो एफिड्रीन है ये सेमिनल वेसिकल्स के अंदर जो नोरापिन फ्रीन स्टोर हुई होती है उन सेमिनल वेसिकल्स के अंदर से नॉरापिन फ्रीन को बाहर निकालती है और फिर नोरापिन फ्रीन उसी तरह अपनी न्यूरोबायोलॉजी परफॉर्म करती है जैसे मैंने पहले बताया था वहीं से फिर अराउज़ल और विजिलेंस की कैफियत आती है ठीक है बंदा जो है वो बुरे और अच्छे में फ़र्क जो है करता है फिर जब बुरा उसे महसूस होता है तो फिर वो पैनिक स्टेट में चला जाएगा मेट्स्केप के अंदर ये मेकनिज़म दिया गया है सिमटम्स जो पीछे मैंने बताए हैं लूजिंग वेट होता है फीरिंग होती है उसके अलावा चिल्स हॉट फ्लैशेस और उसके अलावा खाने पीने में मसला आता है एंड ऑन डायग्नोसिस आप लैब वैल्यूज़ चेक करते हैं इसके अंदर थायराइड बीपी और डायबिटीज़ रूटीन के बारे में पूछते हैं कि जी क्या क्या काम कर रहे हैं आपकी क्या रूटीन है कि अगर स्ट्रेसफुल रूटीन है तो स्ट्रेसफुल रूटीन को कम किया जा सकता है ड्रग्स एंड मेडिकेशन कौन कौन से ड्रग्स ले रहे हैं स्टेमुना तो नहीं ले रहे ठीक है उसके अलावा डिप्रेशन से इसको जो है अलग करना चाहिए अग, अगर जो है डिप्रेशन है तो मे बी एंटी डिप्रेशन को एनजाइटी में नहीं लेना चाहिए बेहतर यह है कि पहले हम पेशेंट को काम करें थ्रू एनजियोलिटिक्स बैनजोडाइजिपीज बाबिटूरेट्स और फिर हम उसको एंटी डिप्रेशन की तरफ लेके आएँ डायग्नोस्टिक टेस्ट ट्रीटमेंट कॉगनेटिव बिहेवियर थेरेपी उस थेरेपी को कहते हैं जैसे हम साइकोएक्टिव थेरेपी भी कहते हैं साइकोएक्टिव थेरेपी में ये होता है कि आपने पेशेंट को बुलाना है अब आपकी मुँह स्माइल होनी चाहिए आपने उससे जो है बिल्कुल उसका अच्छा दोस्त बन के उससे बात करनी कि हाँ आपको क्या हुआ है आपको क्या मसला है ठीक है और उसके अलावा उससे पूछना है कि आपकी ज़िंदगी में कोई क्या कहते हैं कोई बुरा इवेंट आया था तो आपको सब कुछ बताएगा तो उससे उसका जो पेन है वो रिलीफ होगा रिहेबिलटेशन में आपने उसकी जो सारी मेडिकेशन हैं वो छुड़वा देनी है और उसको एक्सरसाइज की तरफ और योगा की तरफ ले कर आना फिर क्लोज़ मोनिटरिंग ऑफ लैफ फाइंडिंग जितनी भी थाइरॉयड आपने उसका चेक करते रहना है उसकी डायबिटीज़ चेक करते रहना है और उसकी हाइपर को चेक करते रहना अब क्लिनिकल ट्रीटमेंट इसका क्या है पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल था अब क्लिनिकल क्या है डिटॉक्सिफिकेशन अगर किसी सूडो या या किसी स्टिमुलेंट की हो गई है तो उसको ई और एक्टिवेटेड चारकोल के ज़रिए बाहर निकाला जा सकता है अब आ, एक बंदे को अगर एनजाइटी हो रही है तो हमारा मेन गोल है कि उसको काम किया जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है प्राजोलाम की एक गोली पॉइंट फाइव एम जी देनी है औरली दो दिन और सॉरी दो दो टाइम्स टू टाइम्स डेली ठीक है और उसकी डोज को हमने फोर एम जी डेली से ज़्यादा नहीं करना उसी तरह जोलपिडम है इसको सब लिंगली फ़ाइव एम जी देनी है अल्प्राजो की जेनक्स टैबलेट बड़ी मशहूर है और जोल्पिटम की ज़ोल्प बहुत मशहूर है आदम जी की ठीक है तो सब लिंगली को बिफोर बेड टाइम जो है एक डोज रात के टाइम देनी है बस उसके अलावा ओलेंजापिंग ना ये एक एंटीसाइकोटिक है इसको फाइव एम जी हर शाम को देना ठीक है इसको आप अफ्राज़ालमाम के साथ कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं यानी शाम को ये दे देंगे और, और रात को वो सोने से पहले एक गोली दे देंगे पॉइंट फाइव एम जी लेकिन फिर हम दो दफ़ा अलफ्रालाम को दिन में नहीं देंगे बस पैर ऑन है बस पैर ऑन मेनली जो है प्रेगनेंट वुमन्स में दी जाती है अगर प्रेगनेंट वुमेन्स को एनजाइटी हो तो।, तो फाइव एम जी दो दिन दो टाइम इसकी डोज़ है ठीक है बहुत सारी कंडीशंस में कॉम्बिनेशंस की भी हमें ज़रूरत पड़ती है ये मेरे रेफरेंसेस हैं Thank you very much.